गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अम्बरीश कुमार, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, असिस्टेंट प्रोफेसर एसजे महाविद्यालय रमईपुर कानपुर। तो बच्चों, हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि बीए पार्ट वन में सिलेबस क्या है और उस कितने पेपर होते हैं और कब कौन से ऑप्शनल होता, कौन सा रिटर्न होता। बच्चों, बीए पार्ट वन में पेपर जो फर्स्ट हमारा है, ये हमारा भौतिक भूगोल पेपर का नाम है। ये ऑप्शनल पेपर है, यानी कि ओमआर पर भरा जाएगा। ये 35 मार्क्स का है, यानी कि 35 नंबर का। जो सेकंड पेपर होगा वो हमारा 35 मार्क्स का होगा, जिस पेपर का नाम है मानव भूगोल। ठीक है, जो अब जो थर्ड चीज होगा वो हमारा प्रैक्टिकल होगा, 30 मार्क्स का होगा, जो कि हम फाइल और हमारा प्रैक्टिकल लैब वर्क होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। सबसे पहले अब हम आता है ज्योग्राफी, यानी कि आप लोगों ने ज्योग्राफी ली है बीए पार्ट वन में। तो ज्योग्राफी सबसे पहले जानते हैं आखिरकार ज्योग्राफी है क्या। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं तो उसकी एक भूमिका होती है, उसकी एक क्षेत्र होता है, उसकी एक नेचर होता है, वो कैसा होता है। तो इसी प्रकार से ज्योग्राफी का एक क्षेत्र है, उसका एक नेचर है और उसका एक विस्तार भी है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अगर कोई मैथ हो, तो जैसे कि गणना करना है ना, मैथ में प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग इन चीजों को पढ़ते हैं। हिंदी में हम कविताएं कहानियां ये सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो पीछे की हुई घटनाओं को हम अध्ययन करते हैं। अगर हम राजनीति में जिस तरह से पढ़ते हैं, उसका हम देखते हैं कि संविधान के बारे में जानना और कानूनी के बारे में जानना। इसी प्रकार से ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी में हम सबसे पहले उन चीजों को ध्यान में रखेंगे जो उसका क्षेत्र होता है, जैसे कब कहाँ और कैसे। ज्योग्राफी में जब भी हम स्वतंत्र मन में या विचार जब भी आता है, कोई भी वस्तु, कोई भी मानव, कोई भी जो भी हमें दिखाई देता है, वो कब उत्पत्ति हुई, कहाँ उत्पत्ति हुई, तो कैसे उत्पत्ति। तो सबसे पहले अब हम आते हैं ज्योग्राफी। आखिरकार ज्योग्राफी शब्द आया कहाँ से है। ये आता है जियो, ये हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है और हमारा आता है ग्राफिया। ठीक है, जियो मतलब होता है पृथ्वी, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जियो और प्लस पृथ्वी है। ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना। इसी को अगर हम हिंदी में इसे बोलते हैं भूगोल। ठीक है, भू मतलब होता है पृथ्वी, प्लस मतलब गोल, यानी कि पृथ्वी गोल है, या फिर कह सकते हैं गोल पृथ्वी का वर्णन करना। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि ज्योग्राफी में पृथ्वी गोल है, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना, या फिर कह सकते हैं गोल पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी कैसी है, गोल है। ठीक है, तो उसका वर्णन करेंगे तो हम देखेंगे उसका वर्णन किस प्रकार से और कैसे किया जाएगा, इसके हम जानते हैं। तो जो हमारी ज्योग्राफी है, ये दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक आता है भौतिक भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी इसे कह सकते हैं, ये है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी। अब इसे बोलते हैं मानव भूगोल, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। इस प्रकार से हम देखते हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ये हमारे बीए पार्ट वन में दोनों भाग ही पढ़ना है। पहला भाग आता है
भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, ये पेपर फर्स्ट है जो ऑप्शनल यानी कि हमने बताया वैकल्पिक पेपर होगा, ये मानव भूगोल ये हमारा रिटिन पेपर होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ओमार दी जाएगी और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें 35 मार्क्स के होते हैं, ये हमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है जो बीए पार्ट वन में पेपर फर्स्ट है हमारा, आज का टॉपिक्स होगा, हम पहला टॉपिक्स हमारा क्या होगा, भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र, यानी कि जो भौतिक भूगोल है इसका क्षेत्र क्या है, इसकी और इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भौतिक भूगोल मतलब होता है भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण मतलब ये होता है कि जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं या हम देख पास जा सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो चीज होती है उसे हम बोलते हैं भौतिक। और पर्यावरण मतलब होता है हमारा जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए, हमें चारों तरफ से क्या घेरे हुए, वायुमंडल, घर, मकान, पेड़ पौधे, धरातल, और हमें सब बहुत सारी चीजें हैं जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं, वही तो पर्यावरण, या घर का पर्यावरण, कॉलेज का पर्यावरण या बाजार का पर्यावरण, ये एक अलग टाइप के हो जाते हैं। तो वो पर्यावरण जो है भौतिक यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ये एक तरीका से भौतिक पर्यावरण का ही रूप है। लेकिन जो भौतिक भूगोल होता है इसमें हम मुख्यतः उन चीजों को पढ़ेंगे जो हम नेचर द्वारा बनाई गई यानी कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया चीजों को हम इसमें भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। तो नेचर ने क्या बनाया है उनको बारे में हम पढ़ते हैं। अब भौतिक भूगोल को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है स्थलमंडल, दूसरा आता है वायुमंडल तीसरा आता है हमारा जलमंडल। और चौथा आता है हमारा जैव मंडल। स्थल मंडल में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे धरातल पर यानी कि पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, झरना, प्रपात, इन सब को हम किसमें पढ़ेंगे, स्थल मंडल में। वायुमंडल में गैस है ना, गैसों की बनावट और हम उसके ऊपर टेम्परेचर के तापमान के अध्ययन के बारे में हम वायुमंडल पढ़ेंगे, जो हमें वायुमंडल से क्या घटनाएं हो रही। जल मंडल में हमें जो समुद्र का पानी या इन सब के बारे में अध्ययन, जो जैव यानी कि जल जल में जो क्रियाएं हो रही हैं वो जल मंडल के बारे। जैव मंडल में हम देखेंगे समस्त तीनों स्थल, वायु, जल, इन तीनों में मिला के जिसमें जीव रहते हों, यानी कि पानी में जीव रहने वाले, स्थल पर जीव रहने वाले और वायु में जीव रहने वाले, इन समस्त क्रियाओं को हम जो जैव मंडल में पढ़ते, यानी कि जो जीव जंतुओं का जो घेरा होता है उसके अंदर का, क्योंकि हम 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद हमारा कोई पक्षी नहीं पहुंचता, और जब 8000 या 9000 मीटर के नीचे हमारी कोई भी मछली या जीव जंतु नहीं पाए जाते, तो उस घेरे में हम जैव मंडल में नहीं आता। तो जैव मंडल का कह सकते हैं एक तरीका से जिसमें मानव या जीव जंतु का निवास हो और उस घेरे को ये आसपास, उसी को हम पढ़ते हैं जैव मंडल। तो इस प्रकार से हमने देखा है भौतिक भूगोल, ये पेपर फर्स्ट होगा, ये हमारा पेपर सेकंड में हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इस अब आता है हमारा पहला टॉपिक, हमारा जो फर्स्ट पेपर का पहला टॉपिक होगा भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र, यानी कि भौतिक भूगोल जो है उसकी प्रकृति क्या है एवं उसका क्षेत्र क्या है, यानी कि उस क्षेत्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ेंगे, स्थल मंडल में समस्त जो हमें दिखाई देता है यानी कि पर्वत, पठार, नदियां, इन सब। वायुमंडल में हम क्या पढ़ेंगे, मौसम की घटनाएं है ना, वर्षा और तापमान, वायुदाब, पवने, इन सब को हम पढ़ेंगे वायुमंडल।
जलमंडल में क्या बनेंगे, समुद्र का घनत्व, उसका तापमान, उसकी डैनी से उसके वहां पे उसमें नमक, खारापन, इन सबको बाहर। जैव मंडल में क्या बनेंगे, जो मानव जीव जंतु कहाँ पे और कैसे किन कारणों से रह रहे हैं। ये हो गया हमारा भौतिक भूगोल का क्षेत्र। प्रकृति कैसी है, यानी कि उसकी बनावट कैसी है, उसके अंदर क्या करें, तो प्रकृति की मतलब होता है जो नेचर द्वारा, यानी कि भौतिक भूगोल की जो बनावट है, यानी कि उसके अंदर हम कह सकते हैं जो नेचर द्वारा बनाई हुई चीजें, इन समस्त में, क्योंकि स्थल मंडल में मानव भी तो रहता है, वायुमंडल में हम अंतरिक्ष में मानव चला जाता है, जलमंडल में भी, जो मानव से निर्मित ना होके, यानी कि जो प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीजों को हम किस में रखते हैं, भौतिक भूगोल में। तो अब हमारे अंदर विचार आता है कि हमने नेचर द्वारा क्या बनाया हुआ है। हम मानव जो है सिर्फ क्या करता है, किसी भी तत्व को सिर्फ चेंज करता है, स्वरूप करता है, कोई चीज अपने आप में उत्पत्ति नहीं करती है, उत्पत्त नहीं करता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे कि कोई मिट्टी है, मिट्टी का स्वरूप चेंज करके हम मकान बनाते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो होता है नेचर के द्वारा ही बना होता है। मिट्टी किसने बनाई, नेचर ने बनाई। इसी प्रकार से हम स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये हो गया भौतिक भूगोल का प्रकृति। तो इस प्रकार से हमने भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में समझा। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि जो स्थल मंडल हमारा आता है, सबसे पहले हम स्थल मंडल, ये हमारी पहली यूनिट होगी। अब आता है कि पहले यूनिट में स्थल मंडल के जो ये हमारा भौतिक भूगोल प्रकृति है, जो यूनिट पहले स्थल यूनिट होगी स्थल मंडल में, इसमें सबसे पहले आता है रिलीफ। रिलीफ मतलब उच्चावच, यानी कि उसकी बनावट कैसी है। तो रिलीफ हमारे कितने प्रकार की पाई जाती है, तीन। एक प्रथम उच्चावच, द्वितीय उच्चावच और तृतीय। प्रथम उच्चावच में हम क्या पढ़ते हैं, महाद्वीप और महासागर। और जब द्वितीय उच्चावच आता है हमारा, इसमें हम पर्वत, पठार, इन सब बात, नदियां, इनको हम पढ़ते हैं। और जो तृतीय उच्चावच आता है, तो इसमें हम मुख्यतः क्या पढ़ेंगे, अपक्षय और अपरदन के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, छोटी छोटी जो बनती हैं, उनके द्वारा, जैसे कि घाटी बनना है ना, और हमारी स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट, गुफा बनना, इनको हम रखते हैं तृतीय में। तो हमने प्रथम में क्या पढ़ देंगे, महाद्वीप और महासागर। द्वितीय में हम पढ़ेंगे पर्वत, भ्रंश, पठार और मैदान। और तृतीय में हम पढ़ेंगे क्या, जो अपरदन और निक्षेप। अपरदन मतलब होता कटाव और निक्षेप मतलब होता है जमाव। इन सब तीनों क्रियाओं के जरिए से स्थल मंडल को बारे में पढ़ेंगे। तब अब हम अगला टॉपिक्स लेके आएंगे, वो हम पढ़ेंगे स्थल मंडल के आगे विस्तार के रूप में। और ये हमारा खत्म होता है टॉपिक भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र।